सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है हमारे चैनल ग्लोबल स्टडी बाय कुलविंदर सिंह। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाएं, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, प्रेस करें बेल आइकन ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो आप तक पहुंच जाए। पिछला चैप्टर हमने हीट ट्रीटमेंट से रिलेटेड पढ़ा था, अगर आपने वो पूरी वीडियो नहीं देखी है तो जल्द जाएँ हमारे प्ले लिस्ट के अंदर पिट ट्रेड के नोट्स, वहाँ पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा जिग वेब फिक्सचर रहेगा। पिट ट्रेड के जितने भी छात्र हैं आप उन तक वीडियो ये पहुँचाएँ, अगर आप ये हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आईटीआई के पिट ट्रेड के जितने भी छात्र हैं, टर्नर ट्रेड के, मशीनिस्ट के, जो मैकेनिकल ट्रेड है, तो उस तक ये वीडियो पहुँचाएँ ताकि उसको काम करते समय कोई भी कठिनाई ना हो, उसको पता चलना चाहिए कि जिग और वेब फिक्सचर क्या होता है। पिट ट्रेड में ये टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट, एग्ज़ाम में आपको इससे रिलेटेड ही जो हम करवा रहे हैं आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं टॉपिक ज़्यादा समय ना गवाते हुए। जिग वेब फिक्सचर क्या होता है, तो सबसे पहले जिग देख लेते हैं क्या होता है। जिग यह एक प्रकार का डिवाइस है जो कार्य को पकड़ने के साथ साथ टूल को भी गाइड करता है। यह धातु का बनाया जाता है, अधिकतर जिग प्लेट मेटल बॉक्स या स्ट्रक्चर या जुगाड़ के रूप में बनाए जाते हैं। इसका प्रयोग मास प्रोडक्शन में किया जाता है। आगे फिक्सचर क्या होता है, फिक्सचर यह एक प्रकार का जुगाड़ है जो केवल कार्य को ही मजबूती से पकड़ता है, यह टूल को गाइड नहीं करता, ठीक है ना। इसमें अंतर आपको पता होना चाहिए कि जिग क्या होता है, फिक्सचर क्या होता है। तो जिग दोबारा देख लेते हैं, जिग यह एक प्रकार का डिवाइस है जो कार्य को पकड़ने के साथ साथ टूल को भी गाइड करता है, और फिक्सचर क्या होता है, यह एक प्रकार का जुगाड़ है जो केवल कार्य को ही मजबूती से पकड़ता है और यह टूल को गाइड नहीं करता। जिग में यह धातु का बनाया जाता है, अधिकतर जिग प्लेट मेटल बॉक्स या स्ट्रक्चर या जुगाड़ के रूप में बनाए जाते हैं। इसका प्रयोग मास प्रोडक्शन में किया जाता है। जिग के प्रकार, टेम्पलेट जिग, टेम्पलेट क्या होते हैं, डुप्लीकेट या हमशक्ल, ठीक है। तो टेम्पलेट जिग यह जिग बनाए जाने वाले पार्ट या जॉब की आकृति का होता है, यह धातु की प्लेट में से बनाया जाता है। इसे जॉब या कार्य के ऊपर क्लैंप करके ड्रिलिंग, टेपिंग, काउंटिंग, काउंटर सिंकिंग इत्यादि क्रियाएं की जाती है। इसका प्रयोग शीट मेटल वर्क में अधिक किया जाता है, इसमें जिग बुश नहीं होते। और सेकंड पे है हमारा प्लेट जिग। प्लेट जिग टेम्पलेट जिग की तरह ही होता है, अंतर केवल इतना है कि इसे मशीन टेबल पर क्लैंप करने की व्यवस्था होती है, इसमें जिग बुश लगे होते हैं। थर्ड पे हमारा डायमीटर जिग, इस जिग का प्रयोग सिलेंड्रिकल रोड पर ड्रिलिंग करने के लिए किया जाता है। फोर्थ पे हमारा चैनल जिग, इसकी आकृति अंग्रेजी के सी अक्षर के अनुसार होती है, इसमें भी ड्रिल बुश लगे होते हैं तथा जॉब क्लैंप करने के लिए बोल्ट लगा होता है, और इस जिग में आयताकार शक्ल वाले जॉब क्लैंप किए जाते हैं। फिफ्थ पे हमारा रिंग जिग, किसी भी टाइप या सिलेंडर के फ्लैंज पर सुराखों की ड्रिलिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वाइस जिग, इस जिग की आकृति बेंच वाइस की तरह ही होती है, इसमें गोल सिलेंड्रिकल जॉब में ड्रिलिंग की जाती है। सेवन्थ पे हमारा लिप जिग, विभिन्न प्रकार के जॉब पर ड्रिलिंग करने के लिए इस जिग का प्रयोग किया जाता है, इसमें कब्जे वाला कवर लगा होता है। इस जिग का मुख्य दोष यह है कि इसमें चिप्स इकट्ठे हो जाते हैं, और जब कब्जे का चूल घिस जाता है तो जॉब की सेटिंग खराब हो जाती है। आगे हमारा बॉक्स जिग, इस जिग की आकृति बॉक्स की तरह ही होती है, इसके अंदर जॉब रख कर ड्रिलिंग की जाती है, इसमें इसलिए इसे क्लोन जिग भी कहते हैं। इस जिग के द्वारा जॉब के चारों तरफ ड्रिलिंग करना संभव होता है। नाइन्थ में हमारा यूनिवर्सल जिग, इस प्रकार के जिग में एक से अधिक जॉब की ड्रिलिंग की जाती है, इसके लिए जॉब की आकृति अर्थात साइज समान होते हैं लेकिन सुराख अलग अलग होते हैं, इसके लिए ऊपरी प्लेट को बदल देते हैं। टेंथ पे हमारा ड्रिल जिग, इसका प्रयोग ड्रिल मशीन पर ड्रिलिंग तथा जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है,
और इसमें ड्रिल को गाइड करने के लिए गाइड बुश लगे होते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप जल्दी से जाएं, कॉपी उठाएं जो आप नोट्स बना रहे हैं उसके अंदर ये टॉपिक लिखें। 11 में हमारा इंडेक्सिंग जिग। इस प्रकार के जिग के द्वारा प्लेट में बहुत ही शुद्धता में सुराख किए जाते हैं क्योंकि इसमें प्लेट को इंडेक्स करने की सुविधा होती है। इंडेक्सिंग रेफरेंस प्लेट और प्लंजर द्वारा की जाती है। इस जिग के द्वारा वृत्ताकार प्लेट की वृद्धि से सुराख किए जाते हैं। 12th पे हमारा टेबल जिग। टेबल जिग इस प्रकार का जिग एक प्रकार का प्लेट जिग है, लेकिन इसमें लेग्स की व्यवस्था होती है ताकि इसे टेबल या मशीन टेबल पर फिट किया जा सके, और इसका प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए करते हैं जिनकी आकृति विषम आकार की होती है। 13वें नंबर पर हमारा सैंडविच जिग। सैंडविच जिग यह भी एक प्रकार का प्लेट जिग है। इसका प्रयोग बहुत ही पतली और नरम जोबों को पकड़ने के लिए किया जाता है। सैंडविच जिग का प्रयोग कम्बिनेशन जिग के रूप में किया जाता है। इसमें एक तरफ का प्रयोग ड्रिलिंग को लोकेटिंग के लिए तथा दूसरी तरफ का प्रयोग टेपिंग व रिमिंग के लिए किया जाता है। आगे हमारा 14th नंबर पे एंगल प्लेट जिग। एंगल प्लेट जिग इसमें जिग की आकृति एंगल प्लेट की तरह ही होती है। इसकी एक साइड मशीन टेबल पर फिट की जाती है जबकि लंब रूप वाली साइड के साथ एक प्लेट फिट कर ली जाती है। इसमें ड्रिलिंग बुशिंग्स लगे होते हैं और इस प्लेट के नीचे एंगल प्लेट की खड़ी सतह के साथ जॉब क्लैंप की जाती है। इसका प्रयोग आमतौर पर गियर और पुली के हब में सुराख करने के लिए किया जाता है। टाइप ऑफ पिक्चर। ठीक, फर्स्ट टाइप ऑफ पिक्चर प्लेट पिक्चर। इस पिक्चर में एक प्लेट प्रयोग की जाती है जिस पे स्ट्रैप क्लैंप लगाए जाते हैं। इसके द्वारा जॉब को पकड़ा जाता है। बेस प्लेट को मशीन टेबल पर फिट किया जाता है। सेकंड पिक्चर सेकंड टाइप ऑफ पिक्चर तो एंगल प्लेट पिक्चर क्या होता है। इसमें पार्ट को उसके लोकेटर के साथ 90 डिग्री कोण पर मशीनिंग करने के लिए किया जाता है। एंगल प्लेट पिक्चर साधारणतया 90 डिग्री के कोण पर बनाया जाता है, लेकिन यह दूसरे कोण पर भी बनाए जा सकते हैं। जिग पुशिंग किसे कहते हैं। इनका प्रयोग केवल जिग में कटिंग टूल को गाइड करने तथा लोकेटर के रूप में किया जाता है। ये माइल्ड स्टील के केस हार्ड किए होते हैं। बुश बोर की ऊपरी सतह वो थोड़ी सी काउंटर होती है तथा बुश की निचली सतह बाहरी व्यास में चेफर होती है ताकि ड्रिल बुश जिग प्लेट में आसानी से फिट हो सके। इनके प्रयोग से विशेष लाभ यह है कि ड्रिल बुश घिस जाता है तो उसे बदल कर नया फिट कर लिया जाता है जबकि प्लेट वही रहती है। टाइप ऑफ जिग बुशेस। तो फर्स्ट टाइप ऑफ जिग बुशेस फिक्स्ड बुश। फिक्स्ड बुश क्या होता है। इस प्रकार के बुश आम प्रयोग किए जाते हैं जहां पर जिग प्लेट के द्वारा एक ही साइज के सुराख करने होते हैं। इस बुश को प्रेस फिट करके काम में लाया जाता है। इनकी कीमत कम व बदलने पर शुद्धता खराब हो जाती है। ये दो प्रकार के होते हैं, प्लेन टाइप फिक्स्ड बुश, हेड टाइप फिक्स्ड बुश। सेकंड पे हमारा रिन्यूएबल लाइनर बुश। रिन्यूएबल लाइनर बुश इस प्रकार के बुश जब गिर जाते हैं तो उन्हें बदला जा सकता है। ये दो बुश होते हैं। इसमें पहला फिक्स्ड बुश होता है जिसे लाइनर बुश कहते हैं। इसके अंदर दूसरा बुश फिट होता है जिसे रिन्यूएबल बुश कहते हैं। इसको बदला जा सकता है। स्लिप या मूवेबल बुश जॉब में एक ही सुराख में स्टेप ड्रिलिंग, जैसे पहले 6 mm का सुराख फिर कुछ गहराई तक 8 mm फिर कुछ 10 mm का करना होता है तो उस स्थिति में ये बुश प्रयोग होते हैं। इसमें सबसे पहले लाइनर बुश होता है और उसके बाद ज़रूरत के अनुसार स्लिप बुश फिट कर सकती हैं। स्पेशल बुश यदि जॉब की सतह पर दो सुराख पास पास करने हों और दो जिग बुश लगाने के लिए पर्याप्त स्थान न हो तो
वहाँ पर एक विशेष प्रकार का बुश प्रयोग किया जाता है। इसमें दो सुराख एक ही जिग बुश की बॉडी में किए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा हमारा ड्रिल तथा कटिंग स्पीड तथा फीड का रहेगा, तो नेक्स्ट वीडियो आप देखना ना भूलें। हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है यहीं पर ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। हम आपके लिए हैंड रिटन नोट्स लेकर आते हैं। हमारी प्रत्येक वीडियो हैंड रिटन नोट्स की होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों में जो ITI कर रहे हैं पीटर ट्रेड से या अन्य ट्रेड से जो मैकेनिकल ट्रेड है, तो उस उन बच्चों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ ताकि उनका भी भला हो सके और आपका भी भला हो सके। धन्यवाद। ये नोट्स आपको पैसे में नहीं बल्कि फ्री में उपलब्ध कराए जाते हैं, तो इसका तो फ़ायदा आपको उठाना ही चाहिए। धन्यवाद।